साक्षी मेडिकल कॉलेज गुना में 2016-17 बैच में MBBS पाठ्यक्रम में NRI सीटों पर दाखिल छात्रों ने प्रवेश अमान्य होने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। जी हां, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि को पत्र लिखा है और कहा है कि हमें इच्छा मृत्यु के आदेश दिए जाएं। छात्रों ने कहा कि कॉलेज की तरफ से समय रहते MCI को प्रवेशित छात्रों की सूची भेजी गई थी। इसके बाद भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए प्रवेश अमान्य कर दिया है कि कॉलेज से समय पर सूची नहीं मिली है। 25 छात्र 2 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजधानी में पत्रकारों से बातचीत में एक छात्र के पिता शिव कुमार ने बताया कि NRI सीटों के लिए 17 छात्रों का एक बार में साक्षी मेडिकल कॉलेज गुना में दाखिला हो गया था। इसके बाद से 8 और छात्रों का दाखिला हुआ। कुल 23 छात्रों का दाखिला NRI सीटों पर हुआ, बाकी 2 अन्य सीटों पर था। कॉलेज में प्रवेश दिए गए छात्रों की सूची चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में 15 नवंबर 2016 के पहले ही जमा की जा चुकी थी, जो DME द्वारा तय समय सीमा में थी। इसके बावजूद भी छात्रों के प्रवेश अमान्य कर दिए गए हैं और इसके चलते छात्र परेशान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे छात्रों का साल खराब होने का खतरा बना हुआ है और उन्हें फिर से सारी प्रोसेस पूरी कर एडमिशन की प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी और ये उनके लिए, उनके करियर के लिए सही नहीं होगा। इसी के चलते परेशान होकर छात्रों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.